दोस्तों, जैसे हर बार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हटके आपके सामने लेके आएं, कुछ यूनिक लाएं, प्रोडक्ट लाएं, कुछ ऐसी डिस्कशन करें जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, आज बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट लेके आएं दोस्तों, जिसका वाकई में बहुत बेनिफिशियल रोल है होम्योपैथी में। मैं बात कर रहा हूँ फाइकस कैरिका की, ठीक है, जिसे हम आम भाषा में फिग कहते हैं, द कॉमन फिग या अंजीर। दोस्तों, अंजीर के गुण हम सब जानते हैं, हमें मालूम है, लेकिन फाइकस कैरिका यानी कि ये अंजीर का होम्योपैथी में क्या रोल है, उसका क्या बेनिफिट है, आज इसकी बात करेंगे। कीपिंग इन माइंड द होम्योपैथिक रेमेडी फाइकस कैरिका। गुड नानक की उसमें सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइकस कैरिका की बात करते हैं। फाइकस कैरिका बेसिकली इज़ एन एंशियंट, बहुत ही पुराना ये एक फ्लावरिंग प्लांट है फ्रॉम द मलबरी फैमिली। इट्स एन एशियन स्पीसीज, बेसिकली नाउ कल्टिवेटेड एवरीवेयर। बहुत कॉमनली ये ग्रो किया जाता है एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स फ्रूट, जो उसके फल में गुण भरपूर है ना, उसके लिए द फ्रूट, द फिग फ्रूट, एंड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट एज वेल। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर दिखने में भी इट्स यूज एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। और ना ये इज आज का प्लांट नहीं है, इट इज़ नोन सिंस टाइम इन मेमोरियल, आई वुड से ड्यूरिंग इवन एंशियंट टाइम्स। इसका जिक्र एरिस्टोटल ने भी किया और बुक ऑफ जेनेसिस में भी इसका मेंशनिंग है। यू मस्ट ऑल हैव कम अक्रॉस द, है ना, एडम एंड ईव के बारे में हमने अक्सर सुना है, ठीक है। और एडम एंड ईव यूज टू कवर देयर बॉडीज विद द फिग लीव्स। फाइकस कैरिका के लीव्स जो है ना, पत्ते, उन्हें वो यूज़ किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए। यानी कि इट इज़ सच एन ओल्ड एंड एंशियंट प्लांट, फाइकस कैरिका। फाइकस कैरिका का जो प्लांट रहता है ना, इट नीड्स लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। इसे बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और इसके जो जड़ें हैं ना, द रूट्स, दे आर वेरी लॉन्ग एंड डीप, और वो खुद ब खुद पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ग्राउंड से, फ्रॉम द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड, कहीं भी वाटर का सोर्स हो तो दे विल एक्सट्रैक्ट देमसेल्व्स। द प्लांट नीड्स लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो, और ये बात आगे काम आएगी। फाइकस कैरिका का जो प्लांट है ना दोस्तों, इसका जो फ्रूट है द कॉमन फिग, जैसे हम अंजीर कहते हैं, इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन, कुदरती गुणों से भरपूर, नेचुरल सोर्स ऑफ सो मैनी विटामिंस एंड मिनरल्स, आगे बात करेंगे। और इसका जो फ्रूट रहता है, दैट कैन बी ईटन फ्रेश एज सच और इवन ड्राइड फॉर्म, सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अक्सर खाया जाता है, एंड इट्स ऑल्सो यूज इन जैम मेकिंग। आइए इसके कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जान लें। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर याद रखें दोस्तों, इसके अंदर ना नेचुरल कुदरती, जैसे प्रभु की असीम कृपा है इस पर, इतने बेहतरीन इसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, पर 100 ग्राम्स की बात करें तो इसमें ना इन जनरल बात करते हैं, विटामिन्स इसके अंदर बेशुमार हैं। आई शुड नॉट मिस एनी वन, विटामिन ए है, विटामिन B1 इट इज़ देयर, विटामिन B2, B3, इसके अंदर B5 है, B6 है, B9 जिसे फोलेट कहते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के, हार्डली कोई बचा है जो उसके अंदर ना हो। अच्छा, मिनरल्स की बात करें, इट इज़ हैविंग मिनरल्स लाइक कैल्शियम, इट हैज़ गॉट आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज है इसमें, इसमें फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है एंड जिंक। और जैसे पहले शुरू में बात की ना, इट नीड्स लॉट ऑफ वाटर, इसको पानी बहुत चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। इसके फ्रूट के अंदर पानी बेशुमार है, 100 ग्राम्स का अगर फिग का फ्रूट देखते हैं, 79% इज़ वाटर कंटेंट, यानी कि 79 ग्राम्स वाटर है इन पर 100 ग्राम्स ऑफ द फ्रूट, द फिग फ्रूट। और दोस्तों, इसके अंदर 79% वाटर है, 19% कार्ब्स हैं, 1% प्रोटीन्स हैं एंड नेग्लिजिबल फैट कंटेंट, यानी कि आइडियल है हम सबकी कंजम्पशन के लिए। ओके, देखा दोस्तों कितने ये गुणों से भरपूर है। आइए इसके यूजेस की बात करें, इसको हम इस्तेमाल कहाँ करें। जो इसका फल है ना, फिग फ्रूट, दैट इज़ यूज्ड इन केसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, आल्सो इन डायरिया केसेस। और जो पत्ते हैं उनमें भी बहुत गुण हैं, द लीव्स, दे आर यूज्ड फॉर डायबिटिस मेलाइटस, दे आर यूज्ड फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल कंडीशंस, जहाँ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एंड थर्डली फॉर स्किन कंडीशंस, वेरियस स्किन कंडीशंस, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू मैंशन हेयर एक्जिमा।
जो डर्माटाइटिस के केसेस रहते हैं, एटॉपिक डर्माटाइटिस कह लीजिए, और ना यहाँ वॉट्स का मेंशन ज़रूर करूँगा मैं, जो मस्से होते हैं ना स्किन के ऊपर, वहाँ ये पत्ते बहुत ही लाभदायक रहते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है, आपने अक्सर देखा होगा, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम और द अदर क्रीम्स, टॉपिकल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स कह लीजिए, जिसमें मेंशन किया होता है इट कंटेन्स फ्रेश फिग फ्रूट एक्सट्रैक्ट, राइट, ये एक्जिमा में काम आती हैं, यू कैन यूज़ दैट टॉपिकल, इट्स सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। अच्छा, ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे मैंने बात की ना, पर्टिकुलरली फॉर कॉन्स्टिपेशन बहुत बेहतरीन रोल है। कैसे दोस्तों, जो फिग फ्रूट या अंजीर का फल रहता है ना, ये कॉन्स्टिपेशन में हमारी मदद करता है, इसे दूर करने में, द स्टूल्स को ये बेसिकली सॉफ्ट करता है। और इसका क्यों इंपॉर्टेंट इतना है, क्योंकि ये ना स्टूल्स की फ्रिक्वेंसी को नहीं बढ़ाता, ये कि नहीं क्या होता कि बार बार आप स्टूल पास करने की अर्ज हो, आप बार बार वॉशरूम जाएं, नो, ये बेसिकली स्टूल को ही सॉफ्ट कर देता है और बार बार जाने की दिक्कत से हमें बचाता है। एन एक्सीलेंट रेमेडी कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन केसेस। डायबिटीज मेलाइटिस के केसेस में यहाँ ना शुगर के पेशेंट्स ये ज़रूर नोट करें कि ये फिग अंजीर के जो पत्ते हैं वो बहुत बेहतरीन रोल अदा करते हैं। जब भी चाय बनाएं, वाइल मेकिंग टी, एड सम फिग लीव्स इन टू इट, जो बॉयलिंग जब होती है ना, पानी गर्म हो रहा था, बॉयल हो रहा होता है, तो उसमें कुछ अंजीर के पत्ते ज़रूर डालें, छान के उसको यूज़ करें, एज इसको टी फ्रॉम फिग लीव्स कहा जाता है, ठीक है। इसका सेवन रेगुलरली करें तो जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है ना इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस केसेस, जहाँ इंसुलिन बाहर से लगाना पड़ता है, इवन वहाँ पे भी इंसुलिन की मात्रा रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है बाय रेगुलर यूज ऑफ फिग लीव्स इन टी। त्वचा पे ना अक्सर मस्से बन जाते हैं, कई लोगों के बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जिन्हें हम वॉट्स कहते हैं। और यहाँ हम ना फिग के प्लांट को अगर तोड़ें, जैसे ना उसमें ना मिल्की सैप निकलेगा, स्टिकी सा फ्लूड निकलता है, उसको हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं मस्सों पे जहाँ वॉट्स रहते हैं, ठीक है, वो झड़ जाएंगे, द वॉट्स विल डिसअपियर। लेकिन यहाँ मैं फिर कहूँगा कि वी शुड कम टू होम्योपैथी, जो फाइकस कैरिका का मदर टिंचर है ना क्यू फॉर्म में, दैट कैन बी सेफली यूज वेल अप्लाइंग टॉपिकली, ऊपर से अगर अप्लाई करना है तो त्वचा पे अप्लाई करना है तो फाइकस कैरिका का जो मदर टिंचर है वो यूज़ करें, क्योंकि यहाँ देर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन, देखिए अगर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, इट्स ओके, परफेक्टली सेफ है, लेकिन अगर हम उसे टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं ना, अगर चमड़ी के ऊपर, उसकी त्वचा के ऊपर लगा रहे हैं, मस्सों के ऊपर लगा रहे हैं, तो यहाँ एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि वी शुड अवॉइड डायरेक्ट सन, क्योंकि जब अगर ये इसको अप्लाई करेंगे, जब भी अल्ट्रावायलेट रेज के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा स्किन, तो इट कैन लीड टू फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस, दैट इज़ अ सीरियस स्किन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो बेहतरीन ये रहेगा इसको रात को अप्लाई करें, फाइकस कैरिका का मदर टिंचर यू कैन अप्लाई ड्यूरिंग नाइट टाइम, बेड टाइम पे अप्लाई करें और सुबह वॉश कर लीजिए, इसको रेगुलरली यूज़ करें, वॉट्स विल डिसअपियर, मस्से झड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये बात सच है ना, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, जो गुणों से भरपूर हैं, जो नेचुरल कुदरती गुण हैं, प्रभु की असीम कृपा, आई वुड से अगेन वंस अगेन हियर, वो फाइकस कैरिका के रूप में होम्योपैथी में हमारे पास उपलब्ध है, इट्स अवेलेबल। फाइकस कैरिका दोस्तों डल्यूशन फॉर्म्स में अवेलेबल है, इन डिफरेंट पोटेंसिस, और मदर टिंचर क्यू फॉर्म में भी अवेलेबल है। जहाँ जरूरत समझें, टॉक टू योर फिजिशियन टू डिसाइड द मोड, टू डिसाइड द फॉर्म ऑफ फाइकस कैरिका, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही लाभदायक रहेगा, ठीक है। दोस्तों इसी कोशिश में आगे फिर और मिलेंगे, और वीडियोस के साथ आएंगे आपके पास बहुत ही बेहतरीन और यूनिक प्रोडक्ट्स और यूनिक जानकारी लेके, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिले। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, कहीं आपको और जाने के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, डू मैंशन द कमेंट सेक्शन, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, वी नीड टू फर्दर इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ आवर वीडियोस। आपके पास फिर कोई ना कोई बेहतरीन प्रोडक्ट और नॉलेज के साथ आएंगे। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।